तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक थे, वे बंगाल के निवासी थे। उसके साथ साथ वो मिदनापुर गांव में रहने वाले थे। एक दिन क्या हुआ, वहां पर रेलगाड़ी से स्टेशन से वो उतरे, एक आदमी उतरा जो अच्छा खासा सूट पहनकर आया था, और उसके साथ ये भी उतरे जो धोती पहनकर हुए थे। और वो उस आदमी जो था, वहां पर कोई कूली नहीं है इसलिए बहुत चिंतित था, लेकिन ईश्वर चंद जी ने उनका सामान उठा लिया और वो सामान बाहर तक लाए, और फिर सामने जो एक बैलगाड़ी थी उसमें बैठकर वो चले गए। ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि वो जो युवक था वो ईश्वर चंद जी के घर आया, और घर के बाहर एक जो आदमी खड़ा था, उसने वही आदमी था जो अब उन्हें सामने नजर आ रहा था, जो जिसने उनका सामान उठाया था। तो वो जो आदमी था विद्यासागर जी के घर गया और उसने विद्यासागर जी से ही पूछा कि क्या विद्यासागर जी घर पर हैं। तो उस आदमी ने कहा मैं ही विद्यासागर हूँ, आप अंदर आइए। तो फिर वो अंदर आ गया और फिर विद्यासागर जी ने उन्हें बैठने के लिए बोला। तो उस युवक को बहुत शर्म आई कि मैं विद्यासागर जी को सामान उठाया मेरा, और उसने विद्यासागर जी से माफी मांगी। फिर बोला कल मुझसे भूल हुई, अब मैं समझ गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। ठीक है, इफ यू लाइक आवर वीडियोस डू शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू वांट ऑसम क्विजेस राइट टू अस। Keep watching and keep learning with Walnut.